Now buy out. No. Minus कि उस वक्त कि शायद आप जैसे व्यक्ति सदन में आए हैं तो मर्यादाओं का पालन करेंगे, लेकिन डेढ़ पौने दो घंटे तक क्या जुल्म किया था आप लोगों ने मुझ पर, और उसके बाद भी मैंने एक भी शब्दों की मर्यादाएं तोड़ी नहीं। आदरणीय सभापति जी, मैंने भी एक प्रार्थना की है, और प्रार्थना तो कर सकते हैं, मैं तो करता रहता हूं। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज आई है, और पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। आदरणीय सभापति जी, हमको बहुत सुनाया गया है और हमने सुना है, लोकतंत्र में आपका कहने का अधिकार है और हमारी सुनने की जिम्मेवारी है, और आज जो भी बातें हुई हैं उसको मुझे देश के सामने रखनी चाहिए, और इसलिए मैं प्रयास करूंगा। आदरणीय सभापति जी, ये जब सुनता हूं, उधर भी सुना इधर भी सुना, मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि ये पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। और जब सोच आउटडेटेड हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। देखते ही देखते इतना बड़ा दल इतने दशकों पर तक देश पर राज करने वाला दल, ऐसा पतन, ऐसी गिरावट, हमें खुशी नहीं हो रही है। हमारी आपके प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा जी, पेशेंट खुद आगे क्या बोलूं। आदरणीय सभापति जी, ये बात सही है कि आज बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सुनने की ताकत भी खो चुके हैं, लेकिन मैं तो देश के सामने बात रखने के लिए जरूर कहूंगा। जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, जिस कांग्रेस ने दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आई सरकारों को रातों रात भंग कर दी थी, बर्खास्त कर दिया, जिस कांग्रेस ने देश की संविधान लोकतंत्र की मर्यादाओं को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया था, जिस कांग्रेस ने अखबारों पर ताले लगाने तक की कोशिश की, आवाज जो कांग्रेस देश को तोड़ने के नैरेटिव घटना का नया शौक उनको पैदा हुआ, इतना तोड़ा कम नहीं है, अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं, और ये कांग्रेस हमें लोकतंत्र और फेडरलिज्म उस पर प्रवचन दे रही है। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस ने नथिंग जात
एड्रेस विल गो ऑन रिकॉर्ड। और भाषा के नाम पर देश को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस कांग्रेस ने आतंकवाद और अलगाववाद को अपने हित में पनपने दिया, जिस कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को हिंसा, अलगाव और पिछड़ेपन में धकेल दिया, जिस कांग्रेस के राज में नक्सलवाद के लिए देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनाकर के छोड़ दिया, जिस कांग्रेस ने देश की बहुत बड़ी जमीन दुश्मनों के हवाले कर दी, जिस कांग्रेस ने देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण होने से रोक दिया, वो आज हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए भाषण दे रहे। जिस कांग्रेस ने आजादी के बाद से ही कंफ्यूज रही, उनको उद्योग जरूरी है कि खेती जरूरी है, उसी के कंफ्यूजन में गुजारा किया। जो कांग्रेस तय नहीं कर रही भाई कि नेशनलाइजेशन करना है कि प्राइवेटाइजेशन करना है, उलटती रही। जो कांग्रेस 10 वर्ष में 11 नंबर पर आर्थिक व्यवस्था ले आ पाई, 10 से 11 नंबर, और आप आने में बहुत मेहनत नहीं पड़ती है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं करती है, हम 10 साल में 5 नंबर पे ले आए। हमें यहाँ आर्थिक नीतियों पर लंबन पे भाषण सुना रही है आदरणीय सभापति जी। जिस कांग्रेस ने उसी तरह आरक्षण नहीं दिया, जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को कभी आरक्षण नहीं दिया, जिसने बाबा साहब के बजाय बाबा साहब को भारत रत्न देने योग्य नहीं माना, अपने ही परिवार को भारत रत्न देते रहे, जिस कांग्रेस ने देश की गली सड़कों चौक चौराहे पर अपने ही परिवार के नाम के पांच जड़ दिए हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं, वो हमें सामाजिक न्याय के पाठ पढ़ा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, यहां एक शिकायत, उनको लगता है कि हम ऐसा क्यों कहते हैं, हम ऐसा क्यों देख रहे हैं। देश और दुनिया उनके 10 साल के कार्यकाल को देश क्यों नाराज हो गया, इतना गुस्सा देश को क्यों आए। आदरणीय सभापति जी, हमारे कहने से सब नहीं हुआ है, खुद के कर्मों के फल सामने रहते हैं, वो कोई दूसरे जन्म में नहीं होते, इसी जन्म। आदरणीय सभापति जी, हमें क्या करना चाहिए, जहां वो तो मुझे क्या कहने की जरूरत है। मैं एक वक्तव्य सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैं पहला कोट पढ़ रहा हूं, सदस्यगण जानते हैं, ये कोटेशन है, सदस्यगण जानते हैं कि हमारी ग्रोथ धीमी हो गई है और फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है, महंगाई दर
बीते दो वर्षों से लगातार बढ़ रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक हो चुका है, ये कोट मैंने पढ़ा। ये किसी भाजपा के नेता का कोट नहीं है, नहीं ये कोट मेरा है। आदरणीय सभापति जी, यूपीए सरकार के 10 साल पर तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय पीएम के रूप में रहे श्रीमान मनमोहन सिंह जी ने कहा और खुद के कार्यकाल में कहा, ये हालत थी, उन्होंने वर्णन किया था। आदरणीय सभापति जी, अब मैं दूसरा कोट पढ़ता हूं, देश में व्यापक गुस्सा है, पब्लिक ऑफिस के मिसयूज को लेकर भारी गुस्सा है। इंस्टीट्यूशन का मिसयूज कैसे होता था ये उस समय ये भी मैंने नहीं करा, ये उस समय के प्रधानमंत्री पद पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कह रहे थे। उस समय भ्रष्टाचार को लेकर पूरा देश सड़क